फ्रेंड्स, जियो को लेके मार्केट में डेली कुछ ना कुछ कन्फ्यूज़न हो रहा है और मार्केट में डेली नए नए र्यूमर्स उड़ रहे हैं। और फ्रेंड्स, आज एक बहुत ही अजीब एक चीज़ सामने आई है जिससे काफ़ी लोग कन्फ्यूज़ हैं। कुछ लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। फ्रेंड्स, जो कि हैप्पी न्यू ईयर ऑफ़र इसका जियो का चल रहा था, पिछले 6 महीने से चल रहा था, लेकिन फ्रेंड्स वो बंद नहीं हुआ है। और लोग जिन्होंने रिचार्ज नहीं कराया था वो अभी भी डेटा यूज़ कर पा रहे हैं और उनका नेट चल रहा है। और अगर आप उनके बैलेंसेस चेक करेंगे या किसी का भी आप बैलेंस देखेंगे तो उसमें आपको दिखाएगा कि 1 GB डेटा स्टिल वो अभी यूज़ कर पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इससे लोग कन्फ्यूज़ हैं कि जिन लोगों ने रिचार्ज करा लिया है क्या उन्होंने कोई गलती कर दी है और क्या उनके पैसे वेस्ट हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं इस वीडियो में कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम हुआ क्या है। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूँ रतन। फ्रेंड्स, आप हैं टेक बडी पर। तो आइए बात करते हैं जियो के कन्फ्यूज़न के बारे में। तो फ्रेंड्स, एक्चुअली मैंने जब ये कन्फ्यूज़न के बारे में सुना तो मैंने खुद अपने आप जियो के कस्टमर केयर पे फ़ोन किया और वहाँ पर ये चीज़ कंफर्म करने की कोशिश की। तो फ्रेंड्स, जो कन्फ्यूज़न मार्केट में चल रहा है वो बिल्कुल भी सच नहीं है। एग्जैक्टली हुआ ये है कि जियो के कस्टमर केयर से जो मुझे पता चला है उन लोगों ने बोला है कि डिसकंटिन्यूएशन की प्रोसेस अभी कंटिन्यू चल रही है। मीन्स काफ़ी सारे मिलियंस ऑफ कस्टमर्स हैं जिनको उनको प्लान को चेंज करना है। उसमें से काफ़ी लोगों के प्लान बंद हो चुके हैं, कुछ के अभी होने हैं। तो मे बी विद इन 1 डे और 2 डेज़ ये आपका प्लान डीएक्टिवेट हो जाएगा। मीन्स जिन लोगों को वो डेटा आपको अभी एक्टिव दिख रहा है, जिनका नेट चल रहा है, वो शायद 1-2 दिन या 3 दिन के अंदर अंदर वो बंद हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, मार्केट के र्यूमर्स पे ना जाएं। जो उन्होंने बोला है वही होना भी है एज़ पर कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव्स। तो फ्रेंड्स, यही मैं आपको बताना चाहता था इस वीडियो के माध्यम से कि जो मार्केट में र्यूमर्स चल रहे हैं कि क्या जियो ने अभी इसको कंटिन्यू कर दिया है और पता नहीं कब तक ये चलने वाला है। फ्रेंड्स, अभी ये देखिए, मैं अपना माई जियो ऐप में भी आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ, जिसमें ये अभी भी कंटिन्यू दिखा रहा है आपको। ये जो अभी पुराना जो ऑफ़र चल रहा था वही ऑफ़र ये कंटिन्यू दिखा रहा है। और फ्रेंड्स, इसमें ये दोनों ही ऑप्शन दिखा रहा है। जो मैंने नया प्लान ऑप्ट किया है वो भी इसमें आपका शो कर रहा है और जो इनका पुराना जो चल रहा था वो भी कंटिन्यूड है। मीन्स इसके हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो इसके हिसाब से मुझे 1 GB डेटा जो मेरा पुराना एग्जिस्टिंग जो चल रहा था वो भी मिल रहा है अभी मुझे। और शायद उसके बाद जो आगे मेरे को 2 GB मैंने डेली का मैंने ऑप्ट किया है प्लान, तो वो भी मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, ये सच नहीं है। ये जो 1 GB अभी दिख रहा है हमें, ये डेटा जो मेरा पुराने प्लान के हिसाब से चल रहा है, ये मे बी विद इन 1 और 2 डेज़ और 3 डेज़ के अंदर अंदर ये बंद हो जाएगा, जैसा कि रिलायंस कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव्स ने बताया है। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल भी र्यूमर्स में ना रहें और अपना जो भी रिचार्ज आपको कराना है अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो करा लें और अपना डेटा यूज़ करते रहें। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।